आप ना मेरी वीडियो में गेस्ट अपीयरेंस की तरह आते हो, जैसे मूवी में नहीं होता। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ घर पे बैठ जाऊँ? अभी मैं ना अपने रूम में आ गई हूँ, बेडरूम में। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा देखिए मैस है। सुबह सुबह के टाइम आपको तो पता ही है कितना ज्यादा मैस रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबोस किचन स्टूडियो। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी वीलॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। जैसा भी मेरा आज का दिन का रूटीन रहेगा, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरी वीडियो के साथ ना एंड तक बने रहना। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो आज मैंने ना ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही यम्मी सा ढोकला बनाया था। और अगर आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी चाहिए ढोकला की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसका लिंक डाल दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी डिटेल्ड रेसिपी है ढोकला की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया। अभी मैं ना अपने रूम में आ गई हूँ, बेडरूम में। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा देखिए मैस है। सुबह सुबह के टाइम आपको तो पता ही है कितना ज्यादा मैस रहता है। तो सबसे पहले तो ये रूम का मैस ही क्लियर करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखती हूँ नेक्स्ट मुझे क्या काम करना है। विंटर्स में तो ये रजाइयों का इतना ज्यादा रहता है ना कि बहुत ही ज्यादा इससे रूम ना वो लगता है कि मैसी सा हो गया। सबसे पहले बेड को ही टाइडी अप करती हूँ। आज मॉर्निंग ना मैं जल्दी उठ गई थी, 7 o'clock का मैंने अलार्म लगाया था, तो मैं 7 बजे उठ गई एग्जैक्ट। तो इससे क्या हुआ ना, मेरा आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा ना मुझे प्रोडक्टिव लग रहा है। नहीं तो लेट उठो, मेरी ना एक्चुअली मेरी ये वीकनेस है कि मैं ना सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। मुझे सुबह जल्दी उठने में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज ये चीज ना मैंने रियलाइज की कि सुबह जल्दी उठने से ना काम सारे इतनी जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा टाइम भी स्पेयर मिल जाता है। बेड तो मैंने टाइडी अप कर दिया है, चलो एक काम तो हुआ। देखिए रूम मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है और मेरी ना हाउस हेल्पर भी आ गई थी। जैसे ही मैं ना काम कर रही थी ना डस्टिंग वगैरह, तो वो भी आके जा चुकी है। तो उसने भी झाड़ू पोछा और बर्तन कर दिए हैं, तो ये एक काम तो मेरा सॉर्टेड हो गया। अपने दिन को प्रोडक्टिव करने के लिए ना सबसे पहले तो हैबिट डालनी चाहिए कि अर्ली राइजर होना चाहिए, कि जैसे मॉर्निंग में ना जो जितने भी टाइम पर आप उठ रहे हो तो उससे थोड़ा सा टाइम ही आप जल्दी उठने की आदत डालिए, स्लोली स्लोली करके, कि जैसे आधा आधा घंटा करके आप टाइम को अपना कीजिए एडजस्ट। तो आज जैसे मैं 7 बजे उठी हूँ, वैसे नॉर्मल डेज में ना मैं मेरे को 8 या 8:30 बज जाते हैं। तो उससे ना क्या होता है कि इतनी भागा भाग रहती है ना कि इन्होंने भी जाना होता है काम पर, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है।
तो आज ना मैं तो इतना ज्यादा मतलब ना माइंड पर प्रेशर नहीं है काम करने का, आराम से स्मूथली सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज तो होनी चाहिए ना जल्दी उठने की, जो भी आपकी मील्स रहती है ना, कि जैसे मैं तो ना पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, आज जैसे ब्रेकफास्ट में मैंने बनाना था ढोकला, तो मैंने ना पहले ही सोच रखा था कि मैं आज ब्रेकफास्ट में ढोकला बनाऊंगी, अभी लंच बनाऊंगी मैं, लंच में क्या बनाना है, मटर पनीर बनाऊंगी आज मैं। तो ये चीजें ना पहले से अगर डिसाइडेड हो, सोचने में भी टाइम ज्यादा ना वेस्ट नहीं होता है। आज तो ना सनी वेदर है, इतनी अच्छी धूप निकली है ना। फ्रेंड्स, जो मेरी लास्ट वीडियो थी ना संडे की, जिसमें मैंने इलांटे का शॉपिंग हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने आपसे ना कमिटमेंट की थी कि मैं ना जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो वो मेरी वीडियो कहीं और की होगी। हाँ, हम लोग ना नेक्स्ट डे मंडे को ना चले गए थे लुधियाना के लिए। एक्चुअली हमारे ना कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको देखने के लिए हमें जाना था। तो प्लान ये था कि मेरे हस्बैंड को वहां पर रुकना था नाइट स्टे के लिए हॉस्पिटल में, और मुझे अपने मायके में घर पर रहना था। तो मैंने सोचा कि चलो वहां पर अपने मायके में रहकर सब लोगों के साथ ना वीडियो शूट करूंगी और वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट क्या करें, समटाइम्स जैसा हमने सोचा होता है वैसा हो नहीं पाता है। शॉर्ट नोटिस के लिए हम लोग गए थे लुधियाना, तो मेरे को जितना भी टाइम मिला तो मैंने आपके लिए फिर भी कुछ क्लिप्स ना शूट करी है, तो आप देखिए। चल इधर, हेलो हेलो बोल दे। अभी मैं आ गई हूँ अपनी टेरेस पर, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1। अभी नीचे जाके मुझे लंच की प्रेपरेशन भी करनी है, 2:30 तक रेडी करना है लंच मुझे। अभी जैसे ना थोड़ी धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो जो वॉशिंग किए हुए क्लोथ्स हैं ना उनको मैं सुखा लूँ, धूप लग जाए उनको अच्छे से। वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना कि बीच बीच में क्लाउड्स हो रहे हैं और साथ में धूप भी हो रही है, काफ़ी अच्छा प्लेजेंट सा वेदर हो रहा है। और आपको ना बर्ड्स की भी आवाज आएगी बीच में, आप वो भी सुनना। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो लंच की प्रेपरेशन करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मुझे तो ना बड़ी ज्यादा भूख लग रही है। मॉर्निंग में लाइट ब्रेकफास्ट ही किया था ना, तो इस टाइम तक बड़ी भूख लग जाती है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ मटर पनीर। पनीर तो सभी का फेवरेट ही होता है। मेरे को ना काफी दिनों से क्रेविंग हो रही थी पनीर खाने की, मैंने सोचा कि चलो मटर पनीर बनाती हूँ। लास्ट टाइम पालक पनीर बनाया था, तो इस बार मैंने सोचा कि चलो मटर पनीर खाते हैं। मटर पनीर को तड़का ना मैं देसी घी में लगाऊंगी, ये मैंने घर पर बनाया हुआ है देसी घी। हमारे घर में जो दूध आता है ना उस पर काफी ज्यादा थिक मलाई आती है, तो उसको ना मलाई को मैं फ्रीज करती रहती हूँ, तो उससे काफी अच्छा घी बन जाता है, बटर भी बन जाता है व्हाइट वाला जो होता है घर का, तो इससे ना सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा यमी आता है। और ये मैंने मसाला बना लिया है, प्याज और लहसुन को ना मैंने मिक्सर जार में ब्लेंड कर लिया हुआ है, ये पेस्ट बना लिया हुआ है। थोड़ी सी हींग भी डाल लेते हैं, डाइजेशन अच्छा रहेगा हींग से। प्याज और लहसुन को ना मैंने अच्छे से भून लिया है, तो इसके साथ मैंने नमक,
लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पर मैंने ना टमाटर लिए हैं 3 बड़े साइज़ के जो होते हैं, उसके साथ अदरक लिया है, हरी मिर्च लिया है, इसका ऐसे ना मिक्सर जार में पेस्ट बना लिया है। अब इसको इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी। मसाला मेरा अच्छे से भून रहा है, तब तक ये मैं पनीर को ना कट करके रख लेती हूँ और आपके साथ कुछ बातें भी कर लेती हूँ। मैं तो लुधियाना गई थी ना, तो वहां पर मेरी तो दौड़ ही लगी रही कि बस कभी ये काम कभी वो काम, क्योंकि मैं शॉर्ट नोटिस के लिए जाती हूँ, कुछ टाइम ही होता है मेरे पास, तो उसमें होता है मुझे कि मैं ये काम भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी सब लुधियाना में ही हैं, तो उनको भी मिलने का होता है कि चलो इतनी देर के बाद आई हूँ तो उनसे भी मैं मिल लूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ना मम्मा नहीं है, तो वो ना 2014 में एक्सपायर हो गए थे, तो इसीलिए मैं जब भी जाऊँ लुधियाना अपने मायके, जैसे लड़कियों को होता है कि मायके में मम्मा है तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, कि बस बैठो और सब कुछ बना बनाया मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बंदा रहता है कि हाँ मम्मा के हाथ का मिल रहा है, तो ये चीज़ तो मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रही हूँ कि जब होता है ना जो चीज़ आपके पास होती है तब हमें ना वो चीज़ की इतनी ज़्यादा कदर नहीं होती है, जो चीज़ जिसके पास नहीं होती है ना तो उसको तभी रियलाइज होता है कि हाँ वो चीज़ कितनी ज़्यादा हमारी लाइफ में मैटर करती थी। एक्चुअली मेरा मेरी मम्मी के साथ ना बहुत ही ज़्यादा डीप वाला कनेक्शन था, मैं बहुत ज़्यादा उनको अभी भी मिस करती हूँ, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनको बस याद करके इमोशनल हो जाती हूँ। तो यही है, मेरी सिस्टर वर्किंग है, उसका ऑफिस है, आर्किटेक्ट है वो लुधियाना में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है, उसको ऑफिस के लिए जाना होता है, तो मैं फिर उसको बोलती हूँ कि चल तू अपना काम देख ले, तो किचन का अब खाना वाना तो बनाना ही है, तो वो सब कुछ फिर मैं ही कर लेती हूँ। मेरा क्या है कि मेरे यहाँ पर भी मेरे इन लॉज में भी मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ नहीं है, तो मैं वहाँ पर जाके भी काम करने में लगी रहती हूँ कि घर का काम करो, कि किचन का तो देखो देखना ही पड़ता है, और यहाँ पर भी मैं करके ही जाती हूँ, मुझे ऐसे नहीं होता है। हाँ बस ये है कि जब ना मन करे कि नहीं आज कुकिंग करने का मन करता, तो मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो मेरी हेल्प कर देते हैं, और कभी कभी अगर नहीं कुछ बनाने का मन हो रहा, नहीं तबीयत ठीक है, तो बाहर से मंगवा लेते हैं, ऐसे ही है, बस यही लाइफ है, ऐसे ही चलता रहता है। अगर आपको लगे ना कि आपका पनीर फ्रिज में पड़ा हुआ हार्ड हो रहा है, तो आप इसको ना कुकिंग करने से कुछ टाइम पहले गर्म पानी में डिप कर दीजिए, जिससे कि क्या होएगा ना, जो पनीर होएगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आप ऐसे ही अगर ड्राई ऐसे ही बनाना है ना आपने सूखा, तो ऐसे भी बना सकते हो। मैं इसको ना थोड़ा सा प्रेशर कुक कर लूंगी, जिससे कि जो मटर रहते हैं ना वो इजीली कुक हो जाते हैं। मैं भी सेमी ग्रेवी रखूंगी इसकी, ज्यादा मुझे पतली नहीं करनी है और ना ही मुझे ड्राई करनी है। लंच रेडी हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ मेरे को। आ गए आप? यस आई एम होम। वाओ, बस सब्जी बन गई है, तुम क्या बन रहे हो? बहुत लगाई मैंने प्लेट। प्लेट लगाई है? हाँ। फोन ले लो। मैंने कहा कि गरम गरम ही बनाऊंगी फुलका, ठंडा हो जाता ना, मजा नहीं आता। हाँ ये तो है, सर्दियों में जल्दी ठंडा होता है। आज बताओ मैंने क्या बनाया है। क्या बना? गेस करो। तुम कह रही थी तुमने मटर पनीर बनाना है। हाँ वही बनाया मैंने आज। पनीर तो हमें रोज भगवान दे, हम तो रोज ही खाते रहे। मेरा तो अपना बहुत फेवरेट है पनीर, साथ में बूंदी का रायता और फुलका। प्लेट में डाल के ना सारा फिर दिखाना मेरे व्यूअर्स को। ओके अपना खाना खा के ना फिर ऊपर चलते हैं, आज बहुत अच्छी धूप निकली है। आज बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी धूप निकली है। हाँ पता, मैं तो आज ना सुबह से थक गई। तुम्हें पता है बसंत है कल? हाँ। और पता है पंजाब में क्या कहते हैं? आई बसंत और पाला उड़न।
अच्छा हाँ, तो कल से यहाँ ठंड कम हो जाएगी। चलो बढ़िया फिर। ये लो फुल्का, सब्जी डाल ली। यस ये लो, बस ऊपर ना धूप में बैठेंगे थोड़ी देर खाना खा के, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। मेरे व्यूअर्स के मुंह में ना पानी आ जाएगा, आप खा के बताना। ओके, सी यू लेटर, एंजॉय। किरण आवे ते मैं छत ते चढ़ के तुणका मारा पतंग नूं। मैनूं पता यही हाल हुंदे इत्थे, पागल हो जांदे बसंत। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸੰਤ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵੱਜਣ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਕੀਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਣਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਬਾਂਹ ਥਕਾ ਲੈਣੀ, ਹਵਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ। ਪਰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤੇ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਮੂਵੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ घर पे बैठ जाऊँ? मेरे साथ लग जाओ व्लॉगिंग करने, मजा आएगा पूरा। अच्छा, मेरे व्यूअर्स आपको भी देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और कॉमेंट तो जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।